आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान विषय में जो हमारा लेसन अभी चल रहा था, हम बीमार क्यों होते हैं, इसका भाग 3। तो हमें बीमार होने के जो पढ़ना है वो रोग फैलने के हमें पढ़ना है साधन कि किस प्रकार रोग फैल सकते हैं। तो आपको मालूम है कि ये जो रोग हैं ये हवा के द्वारा, जल के द्वारा या जो संक्रमित व्यक्ति है उसके द्वारा संपर्क होने पर हमें ये रोग फैल सकते हैं, एक जीव से दूसरे जीवों में जा सकते हैं। तो इसको आपको पहले पूरा पढ़ना है, फिर इसमें से आप छांट सकते हो कि रोग फैलने के साधन क्या है। देखो, तो पहला कारण है हवा के द्वारा। जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सूक्ष्म जीव हवा के द्वारा फैलते हैं। तो अब हवा के द्वारा कैसे फैलते हैं, मान लो कोई सूक्ष्म है, मनुष्य छींकता है, खांसता है, तो उसके शरीर से कुछ छोटी छोटी शरीर से बूंदक वो शरीर से बाहर निकल आती हैं और हवा में फैल जाती है। या आसपास कोई व्यक्ति है तो श्वास द्वारा ये जो छोटी छोटी बूंदक है उसके शरीर में क्या चली जाएंगी, प्रवेश कर जाएंगी और सूक्ष्म जीवों को नया एक संक्रमण करने का अवसर मिल जाएगा है दूसरे। तो ये हवा के द्वारा फैलते हैं। अब कौन कौन से रोग हैं जो हवा के द्वारा फैल सकते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, निमोनिया। खांसी जुकाम में जब खांसी आती है तो उसकी छोटी छोटी हमारे मुंह से जब खांसते हैं तो बूंदें बाहर निकल जाती हैं और वो हवा के द्वारा दूसरों के शरीर में पहुंच जाती हैं। क्षय रोग एक टीवी भी एक हवा के द्वारा फैलने वाला क्या है, रोग है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि खांसी जुकाम है तो आसपास बहुत से लोगों को खांसी जुकाम हो जाता है। तो इसलिए हमें अधिक भीड़ वाली जगह होगी तो वहाँ ये रोग आसानी से फैल जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये संक्रमित बीमारी है। दूसरा है जल द्वारा। जल द्वारा भी रोग फैल सकते हैं। जब संक्रमणीय रोग जैसे या जैसे हैजा से कोई ग्रसित है तो अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं तो उनके द्वारा निकाले हुए जो अपशिष्ट पदार्थ है, मल, वो पानी में मिल जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति इस जल के संपर्क में आ जाता है तो वो जो रोगाणु है, सूक्ष्म जीव है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में क्या हो जाएंगे, प्रवेश हो जाएंगे और वो व्यक्ति रोग से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें स्वस्थ साफ पानी नहीं मिलता है तो उससे भी ये बीमारी हो जाती है। तो हम देखते हैं कि छोटी छोटी बूंदक वायु वेग के साथ घंटों वातावरण में रहती है और कभी कभी ये पानी में मिल जाती है और इस प्रकार ये रोग फैल जाते हैं। तो पहला हमने पढ़ा हवा के द्वारा, दूसरा हमने पढ़ा जल के द्वारा। कभी कभी रोग हमारे एक दूसरे के संपर्क में आने से भी रोग फैल जाते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं शारीरिक रूप से, तो जैसे कि एक एड्स बीमारी है, सिफिलस एक बीमारी है, ये सब बीमारियां एक दूसरे से आपसी संपर्क से भी फैल जाती हैं। तो ये बीमारियां ऐसा हाथ मिलाने या गले लगने या खेल कूद जैसे उसके कारण से नहीं फैलेंगी, ये लैंगिक संपर्क में आने से ये बीमारियां फैल जाती हैं। आपने एड्स के बारे में सुना होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका ये पूरा नाम है। तो ये एक संक्रमित जो व्यक्ति है तो ये दूसरे के संपर्क में आता है तो उससे भी ये बीमारी हो जाती है। या उसका रक्त, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या उसका ब्लड डोनेट किया गया है या किसी ने ग्रहण कर लिया है या कोई माँ है तो उससे उसके शिशु को भी ये रोग हो सकता है। तो हम ऐसे पर्यावरण में रहते हैं जहाँ हमारे अलावा दूसरे भी जीव रहते हैं, और जैसे हम रहते हैं तो मच्छर भी रहते हैं, कुछ जंतु रोगाणु जंतु भी रहते हैं, तो ये एक दूसरे से रोग क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मध्यस्थता का कार्य करते हैं,
रोग फैलाने के बीच में मीडिएटर होते हैं, यहां से वहां फैला देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रोग वाहक। तो रोग वाहक क्या है? वो जो जीवाणु जो रोग को क्या करते हैं, सिर्फ फैलाने का काम करते हैं। सबसे अच्छा एक रोग वाहक है मच्छर। मच्छर की में जो एक जाति होती है मादा एनोफिलीज, वो क्या करती है, एक प्रोटोजुआ है उनको, जो मच्छर हैं उनकी लार में यदि ये पाए जाते हैं तो ये स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो ये दूसरे शरीर में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार ये एक रोग वाहक का काम करते हैं। मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता, याद रखना। मच्छर के शरीर में यदि वो प्लाज्मोडियम नामक सूक्ष्म जीव है, उसकी लार में यदि वो स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो उसको मलेरिया हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये इस प्रकार रोग वाहक होते हैं, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को रोग फैलाते हैं। आप ये चित्र से देख सकते हो कि जो रेबीज होता है वो कुत्ते के काटने से हो जाता है। ये कीट भी रोग फैलाने का काम करते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति भोजन को के संपर्क में आते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं। ये देखिए वायु के द्वारा रोग फैल रहा है, इसकी कुछ बूंदक निकल जाती है, और जल के द्वारा भी रोग फैल जाता है कीटों के द्वारा। और इस प्रकार ये यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसके शरीर में भी रोग हो जाता है। तो ये तीन चार कारण थे रोग फैलने के। अब रोग जब फैलता है तो सभी को रोग नहीं होता है, कुछ को रोग होता है कुछ को नहीं होता है। सभी की इम्यूनिटी, आजकल एक नया शब्द है, प्रतिरक्षा तंत्र हमारा मजबूत होना चाहिए। अब प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत कैसा होगा, वो हमारे स्वस्थ पोषण, हमारे जो भोजन है वो स्वस्थ होना चाहिए ताकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो सके। तो जब ये रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव है हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो आपको मालूम है हमारे शरीर में कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक। तो ये ऊतक जो है तो ये क्या करते हैं, पूरा शरीर में पाए जाते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव हमारे कभी कभी पूरे शरीर में नहीं जाते, एक विशेष अंग में जाते हैं और भिन्न भिन्न स्थानों पर भी जा सकते हैं। तो अब जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको शरीर के अंदर जाने के तरीके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यदि ये नाक में जा रहे हैं हवा के द्वारा तो फिर फेफड़े में चले जाएंगे तो फेफड़े से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। मुंह द्वारा जाएंगे तो हमारी जो आहार नाल है वहां पहुंच सकते हैं, और जैसे टाइफाइड रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया। और कुछ यदि यकृत जाएंगे, यकृत मतलब हमारा लीवर जो होता है, तो उसमें पीलिया हो जाता है, हेपेटाइटिस बैक्टीरिया जो पीलिया के कारण होते हैं। तो अब ये शरीर में विभिन्न अंगों के द्वारा जा सकते हैं, मुंह के द्वारा भी नाक के द्वारा भी जा सकते हैं, कभी कभी त्वचा के द्वारा भी जा सकते हैं यदि खुजली वगैरह आपने देखा होगा। और एक जो बैक्टीरिया होता है HIV वायरस, जो हमारे लैंगिक अंगों द्वारा भी शरीर में प्रवेश कर जाता है और हमारे शरीर में जो लिम्फ ग्लैंड है उनकी ग्रंथियों में फैल जाता है। तो मलेरिया उत्पन्न पहले बता दिया है कि एक सूक्ष्म जीव, उस सूक्ष्म जीव का नाम क्या है जो मलेरिया का कारण है, उस सूक्ष्म जीव का नाम है प्लाज्मोडियम। ये प्रोटिस्टा जगत का एक सूक्ष्म जीव है, आपने पांच जगत पढ़े हुए हैं। ये है वास्तव में मलेरिया रोग का कारण, ये सूक्ष्म जीव जो कि मलेरिया रोग को क्या करता है, उत्पन्न करता है। और ये मच्छर के माध्यम है, मच्छर क्या है, माध्यम है, और प्रवेश करते हैं और यकृत में जाते हैं। यह सब हमारे शरीर के क्या है, अंग। और वहां से लाल रुधिर कोशिकाएं जो हमारे रक्त में पाई जाती हैं, और कभी कभी हमारे मस्तिष्क में भी कुछ पहुंच जाते हैं और मस्तिष्क के ज्वर उत्पन्न करते हैं वाला वायरस भी मच्छर के काटने से शरीर में पहुंच
पहुंच जाता है और इस प्रकार हमें मस्तिष्क से संबंधित भी बीमारियां हो सकती हैं। तो जिस अंग या जिस ऊतक पर जीव आक्रमण करते हैं उससे संबंधित बीमारियां हमें हो जाती हैं। जैसे मान लो हमारे शरीर में फेफड़े, जो कि नाक से संबंध है उनका, फेफड़े में जाएंगे तो हमें खांसी हो जाएगी या फिर सांस लेने में तकलीफ होगी। और यदि लीवर, यकृत, ये पाचन तंत्र से जुड़ा है तो यकृत या तो हमें पीलिया होगा, यदि हमारे यकृत में कोई रोग है, कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश कर रहा है। तो कौन से अंग हैं और कौन से ऊतक है जिस पर ये आक्रमण हुआ है? कभी कभी मस्तिष्क पर भी आक्रमण होता है तो हमें सिर दर्द होगा, उल्टी आएगी, चक्कर आएंगे और बेहोशी भी आ सकती है। तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर का कौन सा अंग क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो ये आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस निकालने हैं कि रोग फैलने के साधन क्या हैं और किस प्रकार रोग फैलते हैं और कौन से अंग में ये उसका प्रभाव डलता है। अच्छा, अब जो संक्रामक रोगों के हैं वो ऊतक विशिष्ट प्रभाव के अतिरिक्त उनके अन्य सामान्य विशिष्ट रोग तो होते ही हैं, कुछ सामान्य प्रभाव भी होते हैं। तो जब सामान्य प्रभाव होते हैं हमारे शरीर में तो हमारे शरीर का जो एक प्रतिरक्षा तंत्र, उसको हम सामान्य शब्दों में बोल दें, हमारा शरीर भी बाहरी आक्रमण से लड़ाई करता है। क्या करता है? जैसे एक पुलिस वाला है, उसको ड्यूटी दी है कि यहाँ पर कोई घुसने ना पाए, घुसता है तो उससे लड़ाई करता है। तो यदि जीत पुलिस की होती है तो वो जो बाहरी व्यक्ति है वो बाहर चला जाता है, यदि पुलिस हार गई तो बाहरी व्यक्ति उसके ऊपर अंदर आ जाता है। वही सिस्टम यहाँ पे रखिए कि हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है बहुत मजबूत है। जैसे ही कोई सूक्ष्म जीव या कोई लड़ने जो रोग फैलाने वाले हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं तो वो इनसे कोशिकाएं आपस में संघर्ष करती हैं। और यदि मान लो हमारा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, ऊतक के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए कुछ कोशिकाएं बना लेता है, ये अपने आप होता है, ये हमें नहीं करना पड़ता है। और नई उस समय नई कोशिकाएं जब बनती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, शोथ। ये एक नया शब्द आया है, आपको शोथ कहते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि वो स्थान फूल जाता है या वहां पर क्या होता है, दर्द। आपने देखा जब छोटे बच्चों को टीके लगते हैं, उनको एंटीबैक्टीरियल या जो टिटनस, तो आप देखेंगे कि उनको उनसे लड़ने के लिए उनके शरीर में कभी कभी उनको दर्द होता है और बुखार भी आ जाता है। तो ये थे सामान्य प्रभाव, कभी कभी विशिष्ट प्रभाव भी होते हैं। जैसे HIV संक्रमण से वायरस, ये एक वायरस रोग है, वायरस मतलब विषाणु, ये प्रतिरक्षा तंत्र में आ जाते हैं और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के बहुत से कार्य को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ये HIV जो एड्स हैं, यदि जिसको हो जाता है तो वो क्या होता है कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो बहुत कमजोर हो जाता है और वो छोटे मोटे रोगों से हमें बीमारियां होती हैं उनका हम सामना नहीं कर पाते हैं। यदि हमें थोड़ी सी भी खांसी सर्दी हो गई तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने के कारण ठीक से कार्य नहीं कर पाता है और अंत में इन रोगी की मृत्यु भी हो सकती है यदि इनका प्रतिरक्षा तंत्र अच्छी तरह विकसित ना हो। तो हम देखते हैं कि रोग की जो तीव्रता होती है वो हमारे शरीर में जो अंदर सूक्ष्म जीव रोग फैलाने वाले प्रवेश करते हैं, यदि इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाए तो उसका उपचार करने में हमें थोड़ा सा कठिनाई आती है, और कम है और यदि हमें सही समय मालूम हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसका उपचार आसानी से कर सकते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र एक प्रमुख कारक है जो शरीर में जीवित सूक्ष्म जीवों की संख्या को निर्धारित करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार विशिष्ट ऊतक हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उनसे किस प्रकार लड़ाई करते हैं।
अब हम देखते हैं उपचार के नियम। हमें चाहिए कि उपचार से पहले ही हमें बीमारियां ना हो, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। यदि हो गई है तो उपचार तो करेंगे, लेकिन यह है कि उपचार करने के पहले ही हमें उस बीमारी की रोकथाम कर लेनी चाहिए। तो ये उपचार के लिए हम बहुत सारी दवाइयों का उपयोग करते हैं। यह कि रोग दवाइयां जो हैं वो रोग के प्रभाव को क्या कर देती हैं, कम और या तो फिर उस रोग को पूरा समाप्त कर देती हैं। तो उपचार करते हैं जिससे लक्षण कम, यदि हमें शुरू में मालूम हो गया तो उपचार करते हैं और उसकी हम दवाइयां लेते हैं। जैसे बुखार, दर्द अथवा दस्त को कम करने के लिए हम दवाई लेते हैं। लेकिन इस प्रकार हम देखते हैं कि कभी कभी दवाइयां, यदि रोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो वो सामान्य दवाइयों से हमें मतलब ठीक नहीं होता है। जैसे कैंसर यदि शुरुआत स्टेज में मालूम पड़ जाता है तो हम उसका कर सकते हैं, लेकिन यदि बाद की स्टेज में मालूम पड़ता है तो जो कैंसर फैलने के सूक्ष्म जीव हैं हमें उनको मारना पड़ता है। तो इसके लिए भी औषधियों का प्रयोग करेंगे। और तो आपको मालूम है ना, जो बीमारी होती है वो अधिकतर वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई जगत या प्रोटोजोआ, ये चार समूह है, इन्हीं के कारण ज्यादा होती है। या पांच जगत जो पड़े थे ना, मोनोरा जगत, उसमें ये वायरस बैक्टीरिया आएंगे, प्रोटिस्टा जगत में प्रोटोजोआ आते हैं। तो ये कुछ जैव रासायनिक क्रियाएं होंगी जो इस वर्ग के लिए विशिष्ट होंगी और अन्य वर्गों में नहीं होंगी। तो हम देखते हैं ये पदार्थ, जो ये प्रक्रिया है नए पदार्थ बनाने के लिए विभिन्न चरण अथवा श्वसन हो सकते हैं, मतलब ये स्टेप वाइज स्टेप अपना असर दिखाती हैं। तो उपचार के नियम, तो उपचार का जो नियम है उसका उपयोग में हम टीका प्रणाली, वैक्सीन, वैक्सीन को हिंदी में बोलेंगे टीका लगाना। तो शुरू में ही हमारे शरीर में ये टीके लगा दिए जाते हैं ताकि वो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर पर आक्रमण करे तो हमारा प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है वो उससे लड़ाई कर सकता है। इस प्रकार तो ये बैक्टीरिया के संश्लेषी मार्ग को रोक सके। और कभी-कभी एंटीबायोटिक दवाइयां भी बनाई जाती हैं। एंटीवायरल मतलब जो वायरस का विरोधी है वो एंटीवायरल, और जो बैक्टीरिया का विरोधी है वो है एंटी बैक्टीरियल, ये दवाइयां हैं। तो एंटीवायरल दवाई बनाना कठिन है, ये प्रश्न आता है कि एंटीवायरल औषधि का निर्माण कठिन है जबकि एंटी बैक्टीरियल आसानी से बनता है, क्योंकि एंटीवायरल का खुद अपना जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। जब ये किसी जीवित चीज के संपर्क में जाते हैं तब अपनी ये जीवन प्रक्रिया के लिए, जीवित होने के लिए जिसके शरीर में गए हैं उसी से पोषण लेते हैं। तो जब ये एंटी जो वायरस हैं जो आप देख रहे हैं किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तब अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में जो चल रहा है कोरोना वायरस, यदि ये अजीवित के संपर्क में है तो ये कुछ देर बाद, ऐसा 10-12 घंटे के बाद ये स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और यदि ये हमारे शरीर में किसी जीवित के शरीर में चले गए हैं तो उन्हीं के पोषण के माध्यम से अपनी संख्या में क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। आक्रमण करने के लिए अपेक्षाकृत कम वायरस विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। इन सीमाओं के बावजूद भी हमने अभी एक एंटीवायरल औषधि बन गई है और वो HIV संक्रमण को क्या करती है, जो बीमारी होती है HIV/AIDS उसको रोकने के लिए एंटीवायरल दवाई अभी वर्तमान में बन चुकी है। तो इसमें एक प्रश्न है महत्वपूर्ण कि एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि की अपेक्षा कठिन क्यों है। धन्यवाद। और इसको आपको पढ़ना है पूरे पाठ को, तब आप इसमें से आंसर ढूंढ सकते हो।